टीवी के स्टार सिनेमा घर घर में। नमस्कार, मैं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं टीवी के स्टार सिनेमा घर घर में। टीवी के स्टार सिनेमा घर घर में आज हम आपको ले चल रहे हैं उड़ान के सेट पर। उड़ान के सेट पर नवरात्रि में लग रहे हैं जय माता जी के जयकारे। दुर्गा मैया की जय। तो वही सूरज और चकोर गाना गाने में मस्त नजर आ रहे हैं। गाना भी किसका? गोविंदा का। गाने के बीच में ही एंट्री होती है खलनायक नारायण रघुवंशी की। नारायण रघुवंशी की एंट्री करते ही लोगों की खुशी मानो कि गायब ही हो गई हो। अरे ये क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे उड़ान के सेट पर गाने का भूत चढ़ गया हो। जी हाँ, आपने सही सुना, सूरज और चकोर के बाद नारायण भी माइक लेकर गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग। गाने का माहौल खत्म होते ही चकोर गांव के लोगों से बात करती नजर आ रही हैं। बात क्या हो रही है ये आप देखिए। ये जो कुछ भी उससे एक बात तो जाहिर कि कमल नारायण की हालत ठीक नहीं है। हमें उनकी हालत का फायदा उठाना चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट जिस पर आप लोगों ने अंगूठा लगाया, जिसके वजह से आप उसके बंधुआ हो, हमें उन्हें फाड़ के फेंक देना चाहिए, जिससे आप सब उसकी बंधुआगिरी से आजाद हो जाए। चकोर बिल्कुल ठीक कह रही है, और उसके पास जो चकोर की झूठी रिपोर्ट है हमें वो भी ढूंढनी होगी। सूरज बाबू ठीक कहे थे। सूरज बाबू, आज से आप ही हम सबन के नेता हैं। आज से आप ही हम सबन के नेता हैं। आप जैसा कहिए हम सबन वैसा ही करिए। सूरज बाबू की जय। ऐसी पोजीशन में आ गया था जब उसे गाना गाना पड़ा तो उसे कोई गाने याद नहीं आ रहे थे। उसने पहले कभी गाया नहीं और वो जानता है कि वो बहुत बेसुरा है, और उसने जब गाना शुरू किया तो बहुत ही अलग एक गाना था। काउशेड में ना इन्होंने बहुत डिनर के बाद एक रोमांटिक सा डांस किया था। ओके, जब हमने वो एक सीन किया उसके बाद में मैं थोड़ी थोड़ी इनके प्यार में पड़ गई। फिर मुझे एहसास होने लग गया कि ओ ये तो डेट पे मेले में लेके जाते हैं, रोमांटिक गाने गाते। ये एकदम कन्वेंशनल जोड़ी नहीं है जो मतलब रोमांस और ये जिनको पता है कैसे किया जाता है। हम लोगों को मालूम था इस बारे में, लेकिन ये आज जग जाहिर हो गई चीज।